चैनल में स्वागत करता हूं मैं रंजन कपंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे, कैसे यूए बिल जेनरेट करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जानने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन लोग यूए बिल जेनरेट करेंगे, किसके लिए कंपलसरी है, ये पहले डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूए बिल कैसे जेनरेट करते हैं, लाइव हम लोग देखेंगे। यूए बिल कौन कौन लोग बना सकते हैं, सेलर बना सकता है, बायर बना सकता है और ट्रांसपोर्टर बना सकता है। इसमें एक इनवॉइस में 50,000 से एक्सीड हो रहा है तो हम लोग यूए बिल जेनरेट करना पड़ेगा। सेलर बनाएगा, मान लीजिए सेलर का लॉगिन आईडी में इशू है या सेलर नहीं बायर को बोल रहा है बनाने के लिए तो बायर भी बना सकता है। और ट्रांसपोर्टर को तो कंपलसरी बनाना पड़ेगा क्योंकि वो जो माल उसका वैन गाड़ी में लोड करेगा उसको चाहिए कि 50,000 से एक्सीड हो रहा है वैल्यू तो उसको यूए बिल चाहिए। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कैसे यूए बिल जेनरेट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में गूगल में सर्च करना पड़ेगा यूए बिल GST.gov.in में आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको ऐसे साइड आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मान लीजिए जो नया फ्रेश है रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर में जाके यूए बिल रजिस्टर में जाएंगे। जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या सिंपली जीएसटी नंबर आपका डालना है, जिसका आप लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाहते हैं उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, उसको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे, गो कर लेंगे। जैसे ईमेल आईडी में प्रोसेस होता है कि थोड़ा आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सब डिटेल देके उसको ये करके वेरीफाई करके ओटीपी पुट करेंगे और न्यू यूजर आईडी पासवर्ड सेट कर लेंगे। तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी, मैं आपको जो लोग ये है ये क्या करेंगे वहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे लॉगिन में क्लिक कर लेंगे। लॉगिन में जैसे ही क्लिक कर लेंगे आपके सामने आ जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड। मेरा ऑल आप भर लेंगे आपका यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड जो स्क्रीन में दिखा रहा होगा आपका, उस टाइम आप उसको ये कर लेंगे। उसके बाद मैं लॉगिन कर लूँगा, जैसे ही लॉगिन कर लूँगा आपको ऐसे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, यूए बिल यहाँ पे जाना पड़ेगा। यूए बिल में जाके उसके बाद जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्या जेनरेट न्यू में क्लिक करना है। जेनरेट न्यू में क्लिक करेंगे जैसे ही आपका स्क्रीन का प्रेस ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लायर टाइप क्या है, आउटवर्ड और इनवर्ड। जो लोग सेल किए हैं वो लोग बना रहे हैं यूए बिल तो आउटवर्ड में आपका होगा, जो लोग मान लीजिए बायर मान लीजिए कर रहा है तो इनवर्ड में होगा। देखिए मैं इनवर्ड में जैसे क्लिक करूंगा, देखिए मैं क्या हो रहा है, मैं खुद अभी नीचे चला जा रहा हूँ, बिल टू हो जा रहा है। देखिए मैं जैसे आउटर होगा मेरे लिए क्या हो जाएगा कि बिल फ्रॉम मेरा जीएसटी डिटेल्स मेरा ऊपर में रह रहा है, लेकिन इनवर्ड में जब परचेज हो जाता है तो बिल मेरे नाम में हो रहा है, किससे हो रहा है उसका डिटेल्स हम लोग ऊपर देंगे। मैं मान लीजिए बायर होगा तो मैं सेलर हूँ तो मैं आउटवर्ड में चूज करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा सब टाइप्स क्या है, सप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जॉब वर्कर। मेरा ये सप्लाई है तो मैं सप्लाई में चूज कर लूँगा, जो मेरा कैटेगरी में आएगा मैं उसको चूज कर लूँगा। आपका जो कैटेगरी होगा आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या पड़ेगा, डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस, आपको यहाँ पे ऑप्शन है टैक्स इनवॉइस है और बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो इनवॉइस नंबर है जिसका आप यूए बिल, जो इनवॉइस आपका 50,000 से एक्सीड है वैल्यू आप उसका यूए बिल जेनरेट करना चाहते हैं तो उसका यूए बिल आपका यहाँ पे इनवॉइस नंबर पुट कर लेंगे। मैं इनवॉइस नंबर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जैसा है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यह क्या करना, यहाँ पे डेट आपको दे देंगे, डॉक्यूमेंट डेट जो इनवॉइस डेट है आप दे देंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप आपका क्या रेगुलर है तो रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए आपको डिटेल्स, क्योंकि आप आउटवर्ड यानी सेल्स किए हैं तो आप बायर का डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, लेकिन नेम और एड्रेस ये सब भरना नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जीएसटी नंबर जो आपका बायर है उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ, आप भी पुट कर लेंगे, आपका बायर का डिटेल्स जो है पुट कर लेंगे तो उसका डिटेल सारा आ जाएगा।
देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा सिर्फ जीएसटी नंबर आप पुट करने से। उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आइटम डिटेल्स देना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे पुट करेंगे, प्रोडक्ट नेम पुट कर लेंगे, मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट नेम मैं पुट कर लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगा तो आप डाल देंगे। कंपल्सरी आपको एचएसएन कोड आपको सही से देना पड़ेगा, जो आप प्रॉपरली चेक कर लेंगे जीएसटी साइट में आपका जो आइटम है उसका एचएसएन कोड ठीक से दे देंगे, जो एचएसएन कोड है आप उसको पुट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपरली ये एचएसएन कोड को थोड़ा ध्यान से देख के करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे भर लेंगे, क्वांटिटी भर लेंगे, उसके बाद आपका यूनिट कौन सा कैटेगरी में है, मीटर में है या जिस में है आप उसको ये कर लेंगे। उसके बाद आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, यानी ये टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी फिगर, यानी टैक्सेबल वैल्यू कितना है आपका वो देख लेंगे। तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू है। तो ये आपको मान लीजिए एक इनवॉइस में मेरा 5 आइटम है, तो 5 आइटम का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ना कि आप एक आइटम का डिटेल्स देके करेंगे, नहीं, एक एक करके डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। मेरा एक इनवॉइस में एक आइटम है इसलिए मैं एक दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपका 5 आइटम है, मिला के 50,000 से एक्सीड हो रहा है, तो 5 आइटम का डिटेल्स आपको दिखाना पड़ेगा कि एक एक आइटम भर लेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो मैं ये पहले इसको डिटेल्स भर लेता हूँ, मैं ये कौन सा रेट है, टैक्स रेट है मेरा 18%, मैं 18% चूज कर लिया। उसके बाद मैंने ये डिटेल्स भर लिया, उसके बाद क्या करूँगा, मान लीजिए मेरा दूसरा कुछ आइटम है तो मैं इसको ऐड अन करूँगा, मैं दूसरा आइटम यहाँ पे भर लूँगा। मेरा नहीं है तो मैं ही नहीं कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, अब जिसका होगा तो वो भर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर का नेम और ट्रांसपोर्टर का आईडी। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का नेम और ट्रांसपोर्टर का आईडी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टर का जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे तो आपको वो ट्रांसपोर्टर का नाम वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का आईडी यहाँ पे डाल देंगे तो, ठीक है, ट्रांसपोर्टर का जीएसटी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स में डाल दिया। मान लीजिए मैं ट्रांसपोर्ट का थ्रू नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे व्हीकल नॉर्मल व्हीकल में गाड़ी बुक किया या मेरा जो बायर है गाड़ी बुक करके वो डायरेक्ट ले रहा है, तो इस ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स मेरे को तब नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हटा दूंगा, ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स नहीं भरूंगा, यहाँ पे सिर्फ व्हीकल नंबर यहाँ पे पुट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे हटा लूंगा ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स। मान लीजिए मेरे पास ट्रांसपोर्टर का थ्रू मैं ये कर रहा हूँ तो ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे दूंगा। तो मान लीजिए मैं ट्रांसपोर्ट का थ्रू नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बायर को सेल कर रहा हूँ, तो मैं मेरा जिस गाड़ी में जा रहा है उसका व्हीकल नंबर मैं यहाँ पे सिर्फ पुट कर लूंगा, ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे दूंगा नहीं, सिर्फ गाड़ी का डिटेल्स मैं यहाँ पे भर लूंगा। भर लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रोड में जा रहा है मेरा तो रोड में चूज करूंगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट करेंगे ये आपको बोल दे रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हैं यू बिल जेनरेट करें, ये आपका जीएसटी वन में शो करेगा, तो इसको आप ओके करेंगे, ध्यान से इसको देख लेंगे, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ये आपका यू बिल ऐसे जेनरेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको यू बिल जेनरेट हो जाएगा प्रॉपरली, आपको इसको यू बिल आपको मिल गया, इसको आप प्रिंट करके आपका जो ट्रांसपोर्ट जिसका थ्रू में हुआ है उसको दे देंगे, और गाड़ी की जो गाड़ी में जा रहा है उसको दे देंगे, और आप एक कॉपी रख लेंगे, और बायर को भी देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही यूए बिल जेनरेट करना पड़ता है। ठीक है, मैं वहाँ पे जो दिखाया था ट्रांसपोर्टर का थ्रू आप कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टर का थ्रू भी आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डिटेल दे के आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए फ्री मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।